वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस। इनका आंसर आपने मुझे देना है और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर लिखना है कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या रहा स्कोर आउट ऑफ 25 एंड क्वेश्चन का जो लेवल है वो नॉर्मल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कफोटा स्थल किस जिले में स्थित है? कफोटा एक जगह का नाम है और आपने मुझे बताना है कि यह जगह किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन है सिरमौर, कुल्लू, मंडी, शिमला। तो आपने चूज कर लिया होगा तो उसका राइट आंसर है सिरमौर। कफोटा सिरमौर में स्थित है। आप अगर मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते होंगे तो मैंने पिछले वीक आपको कहा था कि कफोटा में रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाने वाला था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, नारकंडा स्थल किस जिले में स्थित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है शिमला, कुल्लू, सोलन या किन्नौर। आपने भी चूज कर लिया होगा तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी शिमला। नारकंडा शिमला जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पद्मसिया महल कहाँ पर स्थित है? पद्मसिया महल कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बुशहर, तांदी, रामपुर या सराहन। आपका हो चुका है तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सराहन। आप नोट करते रहिएगा कि आप कितने आंसर सही कर रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, स्वतंत्रता से पहले महाराजा पटियाला की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर स्थित थी? आपके ऑप्शन है शिमला, कालका, चैल या नाल देहरा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी चैल या चैल। स्वतंत्रता से पहले पटियाला के महाराजा की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो शिमला के चायल में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हटकोटी मंदिर के समीप कौन सी नदी बहती है? तो आपके ऑप्शन है बबर नदी, सतलुज नदी, यमुना नदी या आपका ऑप्शन नंबर डी ब्यास नदी। तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हटकोटी जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जगह पर स्थित है या कौन से जिले में स्थित है। तो हटकोटी जो मंदिर है वो है आपका हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित। और अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी नदियाँ शिमला में बहती है, जो नहीं बहती है उनको आपने यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपने चूज कर लिया होगा तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पब्बर नदी। हटकोटी जो मंदिर है उसके समीप पब्बर नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पुस्तक ट्रैकिंग इन इंडिया एक्सप्लोर हिमाचल, पुस्तक ट्रैकिंग इन इंडिया एक्सप्लोर हिमाचल किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर ज्ञानचंद तथा एम पुरी, गीत राम तथा ज्ञानचंद, एमएस रंधावा एवं जेएम बल्लोखरा, मतलब कि जगमोहन बल्लोखरा, एसआर हरनोट। तो आपका आंसर हो चुका है लॉक। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्ञानचंद तथा एम पुरी। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, हिमाचल प्रदेश पर लिखित प्रथम क्विज बुक का लेखक कौन था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप खुद देख लीजिएगा और मैं आपका राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जगमोहन बल्लोखरा। जगमोहन बल्लोखरा राइटर थे क्विज बुक के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं अब, निम्नलिखित में से किसे जादुई त्रिकोण के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी रेणुका, नाहन और पौंट्रा। इसे कहा जाता है जादुई त्रिकोण और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि इसे जादुई त्रिकोण क्यों कहा जाता है और बहुत अच्छे से लिखना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है ताकि आपका कमेंट्स पढ़ के किसी और को भी नॉलेज पहुंच जाए। तो देखते हैं कौन सबसे अच्छा कमेंट लिखता है कि जादुई त्रिकोण क्यों कहा जाता है रेणुका, नाहन और पौंट्रा को। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, किस वर्ष राजा कर्ण प्रकाश ने नाहन को अपनी राजधानी बनाया था? इन प्रेजेंट नाहन जो राजधानी है वो है आपका मुख्यालय है वो है सिरमौर जिले का, ठीक है। और नाहन में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है जिसका नाम है रेणुका जी झील। तो उसका जो ऑप्शन है आपके पास आ चुके स्क्रीन पर कि किस वर्ष राजा कर्ण प्रकाश ने नाहन को अपनी राजधानी बनाया था। तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1621 में। 1621 में राजा कर्ण प्रकाश ने नाहन को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर टेंथ, सावन द्वादशी का सुप्रसिद्ध मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नाहन।
सावन द्वादशी का जो सुप्रसिद्ध मेला है वो नाहन में मनाया जाता है। तो नाहन के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है कि सिरमौर का मुख्यालय है और रेणुका जी झील यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रागैतिहासिक जानवरों के अवशेष हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मिले थे? तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुकेती। सुकेती इसका राइट आंसर है। सुकेती स्थित है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। सिरमौर जिले का एक गांव है सुकेती, यहाँ पर प्रागैतिहासिक जानवरों के अवशेष मिले थे। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिलोकपुर मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित है? त्रिलोकपुर मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित है? तो आपके ऑप्शन है परशुराम, करण गौरी या महामाया बाला सुंदरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महामाया बाला सुंदरी। देखते हैं आपके अभी तक 12 में से कितने सही जवाब हुए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, त्रिलोकपुर का मंदिर किसने बनवाया था? त्रिलोकपुर का जो मंदिर है वो किसने बनाया था? तो आपके जो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है दिलीप प्रकाश। दिलीप प्रकाश ने त्रिलोकपुर का मंदिर था वो बनवाया था। और त्रिलोकपुर मंदिर में कौन सी प्रतिमा स्थित है या कौन सी मूर्तियां स्थित है? तो आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था महामाया बाला सुंदरी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, विश्वकर्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान है, इसलिए मैं ये कर रहा था कि आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाए और आप अपने आप को चेक करें कि इन इजी क्वेश्चन में भी आप कितना स्कोर करते हो। विश्वकर्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पर, इसके जो ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है पांवटा साहिब। पांवटा साहिब में विश्वकर्मा मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, दशम ग्रंथ का प्रमुख भाग गुरु गोविंद सिंह ने कहाँ पर लिखा था? आपके ऑप्शन नाहन, रिवालसर, पांवटा साहिब या आनंदपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पांवटा साहिब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तिलोरधार तिप्तिन कॉलोनी कहाँ पर स्थित है? तिलोरधार तिप्तिन कॉलोनी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरमौर। सिरमौर में तिलोरधार तिप्तिन कॉलोनी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, परशुराम ताल कहाँ पर स्थित है? बहुत आसान से क्वेश्चन है। परशुराम ताल आप सभी जानते हैं कि नाहन में स्थित है और जो कि जिला सिरमौर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, वेदों की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है देवी गायत्री। देवी गायत्री को वेदों की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सुप्रसिद्ध एशियाई शेर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है रेणुका वन विहार। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, रेणुका वन विहार, चैल वन विहार, तीर्थन वन विहार, शिकारी देवी वन विहार। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि सारे सारे वन विहार कहाँ कहाँ पर स्थित है। देखिए रेणुका वन विहार स्थित है आपका सिरमौर जिले में, चैल वन विहार है आपका जिला शिमला में, तीर्थन वन विहार आप सब जानते हैं तीर्थन वैली बहुत प्रसिद्ध है, कुल्लू जिले की है ये, और शिकारी देवी वन विहार आप सभी जानते हैं कि जिला मंडी में ये स्थित है। तो चारों जो यहाँ पर है आपके जो वन विहार है आप इनको याद कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, जो एशियाई शेर हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं वो रेणुका वन विहार जिला सिरमौर में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, हिमाचल प्रदेश के किस भूभाग को फायर विडन लैंड कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी और किल्लाड़। उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किन्नौर। किन्नौर को के जो इसका यहाँ का जो भूभाग है उसे फायर विडन लैंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, राक्षस पूजा कहाँ पर आम प्रथा के रूप में पाई जाती है? जी हाँ, राक्षस पूजा कहाँ पर, कौन सी जगह पर ये जो आम प्रथा है वहाँ पर राक्षसों की पूजा करना? तो उसका राइट आंसर है जिला किन्नौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर। किन्नौर में राक्षस पूजा को आम प्रथा के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कल्पा की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन से पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कल्पा कहाँ पर स्थित है। सभी जानते होंगे कि कल्पा जिला किन्नौर में स्थित है। तो कल्पा की जो अधिकतम ऊंचाई है वो है 2,670 मीटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, किस जिले में सुप्रसिद्ध 20 महोत्सव मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है चंबा, शिमला, किन्नौर या कुल्लू। आपसे फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि किस जिले में सुप्रसिद्ध 20 महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें कि 20 महोत्सव हो गया या कोई और महोत्सव हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर। किन्नौर में 20 महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24,
चीनी का क्या नाम है, मतलब कि चीनी का नया नाम क्या है। आप सभी जानते हैं कि चीनी तहसील थी पहले महासू जिले की, उसको काट के किन्नौर जिला बनाया गया। इन प्रेजेंट चीनी को क्या नाम दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है कल्पा, ऑप्शन नंबर बी कल्पा। चीनी तहसील जो थी पहले उसका अब नया नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे। वैसे सभी घाटियाँ सुंदर हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर किन्नौर की है, कुछ यहाँ पर किसी अन्य राज्य की है, सॉरी अन्य जिले की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सांगला। सांगला वैली बहुत ही सुंदर वैली है आपका किन्नौर जिले में। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपके लिए लिए थे ताकि आप चेक कर सकें कि इजी क्वेश्चन में आप कितना पानी में हो और कितना आप पानी से बाहर हो। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। अपना स्कोर मुझे जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपने कितना स्कोर सही किया है, और साथ में आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में हमने कोई गलती कर दी है, कोई गलत आंसर दे दिया है, तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं।